जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो दूसरा T20 मुकाबला खेला गया उसी की हाईलाइट के बारे में। तो आप सभी इस मैच की हाईलाइट को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि जब मैदान पर जब बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित शर्मा, तो उनको आउट करने के लिए न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ियों ने रची एक ऐसी चाल कि देखने के बाद आपको भी नहीं होगा यकीन, वीडियो आपको भी हिलाकर रख देगा। तो दोस्तों, आखिरकार क्या ये पूरा बीच मैदान पर वाक्य हुआ था इसके बारे में बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि दूसरे T20 मुकाबले के बाद BCCI ने भारतीय टीम को दी बड़ी खुशखबरी, कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा के फैंस जानने के बाद खुशी से झूम उठेंगे। तो दोस्तों, आखिरकार क्या ये BCCI ने फैसला लिया इसके बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला सफलतापूर्वक खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम रांची के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा T20 मैच खेलने के लिए उतरी। तो वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आज के इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर पहली पारी में न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए और जीत के लिए भारत को 154 रनों का लक्ष्य दिया। तो वहीं हम आपको बताएं कि आज के इस मुकाबले में जब न्यूजीलैंड की टीम की पारी शुरुआत हुई तो न्यूजीलैंड की टीम को पहला बड़ा झटका मार्टिन गुप्टिल के रूप में लगा, जहां पर मार्टिन गुप्टिल आज के इस मुकाबले में 31 रन बनाकर दीपक चाहर की गेंद पर आउट हुए। और ये सबसे बड़ा झटका न्यूजीलैंड की टीम के लिए साबित हुआ, क्योंकि यहां पर न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में देख सकते हो कि आज जब मार्टिन गुप्टिल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे मार्क चैपमैन, तो मार्क चैपमैन ने 17 गेंदों में 21 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके लगाए। तो वहीं मार्क चैपमैन के विकेट के बाद मैदान पर उतरे ग्लेन फिलिप्स, जहां पर डैनियल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स का बल्ला काफी ज्यादा हद तक चलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन डैनियल मिचेल आज के इस मुकाबले में 28 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। तो ग्लेन फिलिप्स ने 21 गेंदों में 34 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 1 चौका और 3 बड़े छक्के लगाए। और वहीं टिम साइफर्ट 15 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए। जेम्स नीसम ने 12 गेंदों में 3 रन बनाए। मिचेल सेंटनर 9 गेंदों में 8 रन और एडम मिल ने 4 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। और इन्हीं बल्लेबाजों की बल्लेबाजी की बदौलत आज भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बना सकी। तो वहीं 154 रनों के लक्ष्य के जवाब में जब भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो भारत की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए KL राहुल और रोहित शर्मा, जहां पर पहले पूरे 2 ओवर तो KL राहुल ने खेले और 2 ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए KL राहुल ने अपना दमखम दिखाया और आते से ही पहले ओवर से ही वो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। हालांकि दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज आज इतने आक्रामक रूप में दिखाई दे रहे थे कि मानो न्यूजीलैंड टीम के गेंदबाजों के परखच्चे इन दोनों ने अकेले उड़ा डाले। जी हां, यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले तो अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी करी और उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज KL राहुल और रोहित शर्मा अपने शतकीय साझेदारी की तरफ अग्रसर हुए। तो वहीं दोस्तों, आप सभी को जानकर खुशी होगी कि आज के इस मुकाबले में KL राहुल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं बखूबी उनका साथ रोहित शर्मा भी निभाते हुए नजर आए। जी हां दोस्तों, आज के इस मुकाबले में रोहित शर्मा बखूबी जानते थे कि KL राहुल आज अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और वो चौके छक्के आसानी से लगा पा रहे हैं, और इसी को देखते हुए रोहित शर्मा ने ज्यादातर KL राहुल को ही स्ट्राइक दी और वो आज थोड़ा कम गेंदों का सामना करते हुए मैदान पर नजर आए। लेकिन उनका ये फैसला बिल्कुल सही टीम इंडिया के लिए साबित हुआ, क्योंकि यहां पर अगर भारतीय टीम को अंतिम ओवर से पहले इस मुकाबले को जीतना था और इसको अपने नाम करना था तो रोहित शर्मा को ये करने की काफी ज्यादा आवश्यकता थी और इसका फायदा भारतीय टीम को मिला भी। तो वहीं दोस्तों, आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में देख सकते हो कि KL राहुल और रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में आज के इस मुकाबले में रन बरसाए और आज के इस मुकाबले में फिर सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा और सभी की महत्वपूर्ण बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग की वजह से भारतीय टीम ने यहां पर इतिहास रचा। बाकी दोस्तों, आप सभी के सामने पूरा स्कोर कार्ड दिखाया जा रहा है, जहां पर आप सभी देख सकते हो कि आज के इस मुकाबले में भारतीय टीम ने कितने रनों से मुकाबला जीता है। दोस्तों, भारतीय टीम ने इस T20 सीरीज में दमदार प्रदर्शन कर दिखाया, जहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी काफी ज्यादा किफायती इस मुकाबले में नजर भी आई। बाकी अब आपकी क्या राय है भारतीय टीम के बारे में और आप भारतीय टीम के आज के प्रदर्शन को देखते हो आप उनको 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले मैच में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से करारी शिकस्त देने के बाद भारतीय टीम शुक्रवार को दूसरे T20
इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलने के लिए उतरी, जहां पर ये मैच रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज शाम से शुरू हुआ। तो वहीं दोस्तों भारतीय टीम का लक्ष्य न्यूजीलैंड पर विजयी बढ़त बनाने का था। तो वहीं कीवियो की टीम इस सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज कर सीरीज को बराबरी पर लाना चाहती थी और ऐसे ही रातें आज दोनों ही टीमों के दिखाई दिए, जहां एक तरफ भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाती हुई नजर आई, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने भी आज के इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन कर हर किसी को बहुत चक्का कर दिया। सोमवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। हालांकि T20 इंटरनेशनल के इतिहास में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल मिलाकर 19 मुकाबले हुए, जिसमें दोनों टीमें बिल्कुल बराबरी पर रही। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड दोनों को 9-9 मैचों में जीत मिली। हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड को T20 मैच में 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले इसी साल जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। और वहीं दोस्तों बात करें इस मुकाबले की, तो आज का मुकाबला रांची में हो रहा है और ऐसे में भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी अपने होम ग्राउंड पर खेले जाने वाले इस मुकाबले का आनंद लेते हुए आप सभी को दिखाई देंगे। और वहीं हम आपको बता दें कि धोनी दूसरे T20 मैच से पहले रांची के JSCA परिसर का 2 से 3 बार दौरा भी कर चुके हैं। पिछले उसमें कुछ खिलाड़ी इस तरह से शामिल थे, जहां पर रोहित शर्मा, KL राहुल को टीम में लिया गया। वहीं तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, वेंकटेश अय्यर, अक्षर पटेल, आर अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर और आवेश खान को टीम में शामिल किया गया। तो ऐसे में दोस्तों ये थी प्लेइंग 11 टीम। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, सिक्योरिटी मांगती रही बॉल इंडिया, न्यूजीलैंड मैच में बॉल लेकर भाग गया फैन। जी हां दोस्तों, जयपुर में खेले गए पहले T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। और इस मैच में एक तरफ खिलाड़ी जमकर चौके छक्के बरसा रहे थे, वहीं फैंस भी स्टैंड में बैठे मस्ती करते हुए दिखे। हालांकि इस दौरान एक अजीबोगरीब हरकत भी देखने को मिली, जो कि शायद आपने आज से पहले नहीं देखी होगी। दरअसल दोस्तों इस मैच के दौरान एक ऐसा पल भी आया जब स्टैंड में बैठा फैन गेंद लेकर भाग गया और सिक्योरिटी उससे गेंद मांगती रह गई, लेकिन वो अपनी गेंद को वापस लेकर नहीं आया। लेकिन वो फैन गेंद वापस देने की बजाय भागता हुआ दिखाई दिया, जहां पर सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है और आप यहां पर देख भी सकते हो। अब आपकी क्या राय इस आदमी के बारे में, आपको क्या लगता है कि इस आदमी ने बिल्कुल सही किया या फिर गलत? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और साथ में RS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रह सकें।